हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Fashion You Chetna. और इन दिस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे दो परफ्यूम के बारे में रिव्यू, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। सो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैं यहाँ पे कौन से परफ्यूम की बात करने जा रही हूँ। सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि अभी रिसेंटली मैंने परचेस किया है। ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। इसका नेम है वनीसा एनवी ब्लश। इसमें जो मेरा फ्लेवर है वो ब्लश है। इसका जो प्राइस है गाइज, वो 220 रुपीज है, जिसके अंदर आपको 60 ml प्रोडक्ट मिलता है। और इस टाइप की ये क्यूट बॉटल के अंदर आता है। ये ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसको ट्रेवलिंग में कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ में ये प्लास्टिक का कैप आता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर फिट होता है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इसकी स्मेल कैसी आती है। इसकी स्मेल जो है बहुत ही रोजी, बहुत ही फ्रेश टाइप की स्मेल आती है। मतलब बहुत ही अच्छी वाली स्वीटिश, जिसको बोल सकते हैं वैसी, बहुत स्वीट टाइप की इसकी स्मेल है। बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और ये जो परफ्यूम है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। लाइक आप अगर मॉर्निंग में लगाते हो तो इवनिंग तक ये मतलब आपके स्किन पर और आपकी क्लोथ पर कंटिन्यूसली रहता है, और बहुत ही फ्रेश आपको फील होता है पूरे दिन। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो ये परफ्यूम स्प्रे है वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मिलता है। 220 रुपीज़ में आपको इतना लॉन्ग लास्टिंग मिलता है। आजकल तो डीओ की प्राइस भी इतनी होती है, जो कि 10 मिनट्स बाद या 20 मिनट बाद स्टे नहीं रहते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक रिजनेबल प्राइस के अंदर इतना फ्रेश फील वाला परफ्यूम है। और ये जो परफ्यूम है वो मैंने नायका से परचेस किया है। आप इसे अमेजोन पे भी परचेस कर सकते हैं, वहाँ पे शायद ये डिस्काउंट में हो, 180 या 185 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो परफ्यूम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है स्किन बाय टाइटन। और इसमें जो है दो वेराइटीज, मतलब दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। इसमें एक जो बड़ा वाला आता है वो 1200 समथिंग रुपीज का होता है, और इसमें तीन फ्लेवर होते हैं, शेयर, न्यूड और एक पता नहीं मुझे कौन सा फ्लेवर है। मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पे जो परचेस किया है वो स्किन बाय टाइटन शेयर परचेस किया है, और इसमें मैंने जो परचेस किया है वो उसका स्मॉल बॉटल परचेस किया है गाइज। इसका जो बड़ा वाला बॉटल था वो 1200 समथिंग रुपीज में था, बट यू नो मुझे क्यूट बॉटल जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये जो स्मॉल बॉटल है आप देख सकते हैं कितनी क्यूट है और ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इजीली आपके कैरी बैग में, या आपका हैंड बैग होता है उसमें इजीली आप कैरी कर सकते हो। कोई आपको वेट नहीं होता है परफ्यूम के अंदर, एकदम लाइट वेट होती है, और आपको हैंड में पकड़ने में भी बहुत ईजी होता है। इसलिए मुझे इस टाइप की क्यूट बॉटल का स्टॉक रखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका छोटा वाला परचेस किया है, जो कि आपको नायका में 554 रुपीज का इजीली मिल जाएगा। स्मॉल बॉटल जो है आपको काफी महंगी पड़ती है, अगर आप बड़ा वाला लोगे तो आपको 1300 या 1200 में मिंत्रा या नायका पे इजीली डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। मे बी समटाइम आपको 1000 में भी मिल जाए, बट इसका मैंने छोटा जो परचेस किया है वो 554 रुपीज में परचेस किया है। इसका आपको अमेजोन पे 400 के समथिंग आसपास मिल जाएगा, और इसमें आपको 554 रुपीज में 20 ml प्रोडक्ट आपको मिलता है। और इसमें जो मैंने जो फ्लेवर परचेस किया वो शेयर, ये इस टाइप की पर्पल एंड ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है। इसके ऊपर इस टाइप का कैप होता है, जो कि बहुत टाइट होता है, इजीली टूट नहीं सकता और इजीली लूज भी नहीं हो सकता। आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, लीक होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। मैं आपकी स्मेल करके अच्छे से बताती हूँ कि ये किस टाइप का है। इसकी स्मेल जो है वो एकदम फ्रेश है, लाइक यूनिक इसकी स्मेल है। मतलब लाइक एकदम लाइट वेट है, यू नो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत लाइट है, फ्रेश है, और यूनिक फ्लोरल टाइप, थोड़ी स्ट्रॉबेरी टच टाइप है, जो कि एक फ्रेश फील देती है। मुझे इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी अच्छी लगी, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ट्रैवल फ्रेंडली एक क्यूट बॉटल आपको मिलती है, और परफ्यूम में क्यूट बॉटल जो है बहुत मैटर करती है मेरे लिए, इसलिए मैंने ये परचेस किया। आप इसका न्यूड शेड भी परचेस कर सकते हो, मैंने वो परचेस नहीं किया और मुझे उसका शेड भी नहीं पता, मतलब मुझे उसका फ्लेवर भी नहीं पता कैसा है। मैंने इसका यही परचेस किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है।
सो गाइज, ये था मेरा दो परफ्यूम के रिव्यू, वेनिसा एंड ये स्किन बाय टाइटन। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर